हेलो नमस्कार फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं शिक्षक भर्ती को लेकर। 33,000 पदों की मंजूरी मिल गई है शिक्षक भर्ती को, हरी झंडी भी दिखा दी गई है। कैबिनेट की बैठक हुई थी, कैबिनेट में प्रस्ताव पारित भी कर दिया गया है 33,000 पदों पर भर्ती का। लेकिन कांग्रेस बोल रही 78,000 पदों पर भर्ती की जाए, क्योंकि शिक्षा विभाग में 78,000 पद खाली पड़े हुए हैं, तो सभी पदों पर भर्ती की जाए। जो अभी 33,000 पदों पर भर्ती की जा रही वो ऊँट के मुंह में जीरा है, इतने पदों में कुछ नहीं होने वाला शिक्षकों को। तो 78,000 पदों पर भर्ती की जाए कांग्रेस मांग कर रही है, बीजेपी 33,000 पदों पर भर्ती कर रही और उसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, जिसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ, पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा। आप वीडियो बने रहें, वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा जरूर देखें। क्या कहना है, सरकार युवाओं को रोजगार का तोहफा देने जा रही है। आज होने जा रही कैबिनेट बैठक में शिक्षा भर्ती के फैसले पर मोहर लग सकती है, लेकिन कांग्रेस सरकार इस फैसले पर सवाल उठा रही है। के 78,000 पद खाली हैं, जिसमें अब 33,000 पदों की भर्ती पर मोहर लग सकती है। बीजेपी ने चुनाव से पहले शिक्षकों की भर्ती का वादा किया था, जिसके तहत पदों को भरा जाना है, लेकिन साय सरकार के फैसले पर अब कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना यह है कि प्रदेश में 78,000 पद खाली हैं, सभी को भरा जाए। 33,000 पदों पर भर्ती ऊंट के मुंह में जीरा जैसी है, तो इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में 78,000 पद खाली पड़े हैं शिक्षकों के। लेकिन अभी यह जानकारी आ रही है कि सरकार 33,000 पदों पर भर्ती निकाल सकती है, और इसी वजह से कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि सभी पदों को भरा जाए जितने खाली हैं 78,000। अगर 33,000 पदों को भरने की सरकार सोच रही है तो ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। तो आज कैबिनेट की बैठक है 3 बजे के आसपास, और इसी बैठक में इस पर मोहर लग सकती है। और इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेहमान जुड़ गए हैं। केएस चौहान जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़े हैं, और सत्यप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। आप दोनों का बहुत